Peer pressure is the direct influence on people by peers, or the effect on an individual who is encouraged and wants to follow their peers by changing their attitudes, values, or behaviors to conform to those of the influencing group or individual. तो हेलो तो माय नेम इज कुंतु बोस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीयर प्रेशर के बारे में। ये चीज एजुकेशन में सदियों से चलता आ रहा है और सदियों से इस चक्कर में कितना सारा रिलेशन टूटा है, कितना सारा सेल्फ ब्रेकडाउन हुआ है, डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन से सुसाइड हुआ। और ये पीयर प्रेशर देते कौन है? सोसाइटी। लेकिन आजकल पेरेंट्स भी देते हैं, और जब पेरेंट्स देते हैं तब दिल पे लगता है, जब दिल पे लगता है तो ब्रेकडाउन भी होती है, जब ब्रेकडाउन होता है तब सेल्फ डाउट्स होता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। जब सेल्फ डाउट्स की सवाल आती है तब वो तो डाउन होती है, उसके साथ लगता है कि मेरा इस वर्ल्ड में जन्म लेना ही गलती था, आई एम डिसअपॉइंटमेंट। जब डिसअपॉइंटमेंट होती है अपने आप से लगातार बार बार, तब मन होता है सुसाइड का। और यहाँ पर मैं माँ बाप पे ही ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि माँ बाप ही मेन रीजन है तुम्हारे सक्सेस पे और तुम्हारे फेल होने के। यहाँ पर मम्मी पापा लोग तुम्हारे बिहेवियर के साथ तुम्हें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या नेचर होनी चाहिए तुम्हारी, तुम कैसे बात करोगे, सब चीज ए टू जेड तुम्हारे डिसाइड कर लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी नेचर वो लोग डिसाइड कर लेते हैं जब तुम पैदा लेते हो, तुम्हारी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं एंड एवरीथिंग। और जब वो उनके डिसीजन से मैच नहीं होती है देन अ बिग प्रॉब्लम। तब वो लोग बोलते हैं देख तेरे दोस्त कैसे अपने माँ बाप की सुनता है, सीख कैसे कुत्ता बना जाता है, सीख कैसे दूसरे की ड्रीम्स एंड डिसीजंस में जीना होता है। वो अपने माँ बाप की बात मानता है इसलिए वो अच्छा लड़का, बट यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट। ये चीज ज्यादातर लड़के से होती है क्योंकि सबके मन में ही लड़कियों को बुरा भला कहने से रोकती है, लेकिन लड़के को सब बोलते हैं। और लड़कियों की सबसे सपोर्टिव पेरेंट होती है डैड, लेकिन लड़कों के केस में दोनों ही टॉक्सिक। मेरे को सिर्फ इस वीडियो से यही कहना है उन पेरेंट्स से कि मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक चाइल्ड स्पेशल है, लेकिन कोई वो चीज अचीव कर पाता है जब उसका माँ बाप ठीक रहता है। और चाइल्ड डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, कम ऑन। और जो बच्चा अपने अपने से कुछ करता है, अपने आप से कुछ अचीव करता है, तो उसको अप्रिशिएट करो। नहीं, आप लोग खाली सोचते हो कि एडुकेशन में मेडल लाए, लेकिन वो बंदा किसी और चीज में मेडल लाए तो हो गया फिर से डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन इतना आजकल के माँ बाप क्यों टॉक्सिक होते हैं? और पीयर प्रेशर ड्रग्स की तरह है, एक बार दिमाग में डाल दिया दिमाग खोल के बजा देगा ये पीयर प्रेशर। ये चीज अपने माँ बाप से शेयर करो, मैं बार बार बोलता हूँ शेयर इंपॉर्टेंट है, लाइक और सब्सक्राइब मन हुआ तो करना। आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं, और ये वीडियो मैं इतना छोटा बनाया क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होते है, तो ये शॉर्ट है। अपने बच्चे के लिए वो लोग इतना टाइम दे ही सकते हैं, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, आप लोग पैसे देते हो मतलब सब कुछ हासिल नहीं होता, आप ये चीज मशीन से एक्सेप्ट करो, अपने चाइल्ड से नहीं। Thank you.